हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, सोमवार को ये 8 कार्य बिल्कुल ना करें वरना पछताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का देवता भगवान शिव और चंद्र देव है। इस दिन चंद्र दोष को ठीक किया जा सकता है। चंद्र ग्रह हमारे मन और माता का प्रतीक है। दोस्तों, इसके उपाय से शांति, सेहत और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार की प्रकृति सम है। सोमवार के दिन शिवजी और चंद्रदेव का दिन है। सोमवार के दिन उन लोगों को उपास रखना चाहिए जिनका स्वभाव ज्यादा उग्र है। दोस्तों, इससे उनकी उग्रता में कमी होगी। तो चलिए जानते दोस्तों, ऐसे कौन से कार्य है जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर 1, इस दिन शक्कर का त्याग कर दे। जी हाँ, नंबर 2, किसी को सफेद वस्त्र या दूध का दान ना दे। दोस्तों, नंबर 3, इस दिन उत्तर, पूर्व और अग्नेय में यात्रा नहीं करें, खासकर पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है, तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। नंबर 4, इस दिन माता से किसी भी प्रकार का विवाद न करें। दोस्तों, नंबर 5, कुल देवता का किसी भी प्रकार से अपमान न करें। दोस्तों, नंबर 6, इस दिन प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहता है। दोस्तों, इस समय यात्रा करना या कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। नंबर 7, शनि से संबंधित भोजन न करें, जैसे कि बैंगन, कटहल, सरसों का साग, काला तिल, उड़द, तेज मसालेदार सब्जी आदि। दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें। नंबर 8, शनि से संबंधित कपड़े ना पहने, जैसे कि काले, नीले, जामुनी या कथई कलर के। दोस्तों, ये 8 बात आप हमेशा याद रखते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। दोस्तों, यदि शिव की कृपा हो गई तो आपके सारे बिगड़े काम बन सकते हैं, आपको सुख समृद्धि और शांति मिल सकती है। दोस्तों, रुपए पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये बात अवश्य ध्यान रखें, सोमवार को ये कार्य बिल्कुल ना करें। दोस्तों, फिर भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।